Like, subscribe, and share. अभी हम मेहरानगढ़ फोर्ट जा रहे हैं, our next place to be visited by us. So आज ये अभी हम हिल से नीचे उतर रहे हैं, उम्मेद भवन पैलेस. विंटेज कार देख लिए थे लेकिन विंटेज कार ले नहीं पाए. काफी इच्छा था एक विंटेज कार लेने के लिए. जोधपुर नंबर वन स्लो करता यहाँ से. रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंटरी है तो बॉयल्ड एग, देखिए हम मेहरानगढ़ व्यू देखिए. यहाँ से मेहरानगढ़ फोर्ट आए हैं. यहाँ पार्किंग है, पार्किंग करके ऊपर जा रहे हैं. लेकिन ऊपर आप ड्रॉप करके हम आ चुके हैं फैमिली को. ड्रॉपिंग अलाउड है, ड्रॉप करके आ जाइए, पार्क करिए, फिर ऊपर जाइए पैदल में. जो वॉक नहीं कर सकते उनके लिए इजी है. व्यू काफ़ी बढ़िया है, एक्सेलेंट व्यू है. नीचे झील है, छोटा सा झील नीचे है. इसमें कूड़ा नहीं डालने के लिए अनुरोध किया गया है साइड में, क्योंकि यहाँ अक्सर लोग कूड़ा डाल देते हैं. पेंटिंग भी चालू है. ये एंट्री गेट है. बहुत लोग जा रहे हैं देखने के लिए. हम किले चढ़ने के लिए लिफ्ट वाला टिकट लिए हैं, नहीं तो आप तकलीफ में आ जाएंगे. बहुत चढ़ाई करनी है तो अभी लिफ्ट में चढ़ने के लिए लाइन लगी हुई. देखिए एक का बात आना वन आफ्टर अनदर. और ये जो रीजन है इसको कहते हैं मारवाड़. आपने सुना होगा कि जो लोग मारवाड़ से आते हैं मारवाड़ी कहते हैं, वो मारवाड़ यहाँ के लिए जाए तो ये यहाँ के इस रीजन को हम मारवाड़ कहते हैं. मारवाड़ देखिए ये पैलेस है और ब्लू सिटी. अभी जो हम ऊपर खड़े हैं वो 12th फ्लोर है. देखिए नीचे का व्यू देखिए आप. यहीं से हम एंट्री किए थे, फिर लिफ्ट में आए. लिफ्ट के लिए 50 रुपया देना पड़ता है. ये एडवाइजेबल है कि आप लिफ्ट लेके आए और जाने के टाइम पैदल जाए. और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है शाम के टाइम जो है वो रेस्टोरेंट होता है मेहरान पैलेस डेली होता है. डेली 7 o'clock की टाइम यहाँ पर जो है नीचे जो आपने नीचे से पानी निकाल ऊपर आने के लिए लाने के लिए पानी का ये देखिए ये इधर है. वहाँ से जो है ऊपर पानी खींचा करते हैं और ये जो व्हील है यहाँ पर जो है दो ऑपरेट करते हैं इसको घुमाते हैं और जो है ये काम जो है वो कैदियों द्वारा पनिशमेंट वही पनिशमेंट के तौर पर जाता था तो ये कैदियों से कराया. उम्मीद पैलेस का व्यू यहाँ से बीच में नहीं ये और ब्लू सिटी उसके बाद वाली का व्यू इसके साइड में ही है. हम देखे जोधपुर कितना बड़ा टाउन है. ये जो है ये आपके गुलाब सागर ये कहते हैं इसको और ये मैनमेड है और ये जो है ये पुराने टाइप वाले
एसआई के पास है, गवर्नमेंट के पास है, ठीक है ना। तो वो जो है वहां पर तो क्या हो गया कि जो भी कलेक्टर ने या किसी एसडीएम ने कुछ बोल दिया कि ये खोलना वो करना है, वो बना करने दिए। और यहाँ पर तो क्या है, ये जो हाथी वादा जो है ये वुड का बना हुआ है, सिल्वर प्लेटेड है, गोल्ड पॉलिश है। महाराजा जो थे वो आगे बैठा करते थे, ईस्ट सिटी इज द फ्रंट, द मैन विद द फैन पंखा वाला जो है वो पीछे बैठा करता था, और महावत द एलिफेंट राइडर ही यूज्ड टू सिट इन द फ्रंट ऑफ द हेड ऑफ द। तो ये सारे के सारे इस बंगले का जो है वो सारे शाहजहां ने जो है ये जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी को जो है तोहफे में दी थी, बिकॉज महाराजा जसवंत सिंह जी जो थे जोधपुर में, ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ शाहजहां एंड ही वॉज जनरल इन द मुगला। सो व्हेनेवर दे यूज्ड टू बी इंपॉर्टेंट वॉर्स, शाहजहां ने भी यूज्ड टू सेंड द महाराजा जोधपुर टू फाइट जोधपुर का बारे में बोला गया है, काफी पालकी रखा हुआ है तो उनके साथ एक पंखा वाला जरूर साथ में आएगा, क्योंकि महाराजा उसमें जो है वो काफी हैवी सिल्क ड्रेसेस और इस्तेमाल की जाती। और पुराने टाइम में जो है शादियां जो है लड़कियों की जो है वो काफी कम उम्र में कर दी जाती थी, जब लड़की 14-15-16 साल की होती थी तब उसकी शादी कर दी जाती थी। का आइटम है या पुराना एंटिक पीस की फैमिली में या अगर कोई घर ताला कितना बड़ा है, जो फूल ये भी पाया हुआ लोग आप देख सकते हैं, ये गैलरी है, पेंटिंग गैलरी। ये मिनिएचर पेंटिंग है, आप देख सकते हैं। ये जो पेंटिंग है ये प्योरली 24 कैरेट गोल्ड में ही बना हुआ है सारी के सारी। अच्छा, और ये जो ग्लासेस लगे हुए हैं इसके अंदर, जो मिरर्स लगे हुए हैं, ये सारे के सारे बेल्जियम ग्लासेस शीश महल है। हाँ, और ये जो आप फ्लोरिंग देख रहे हो नीचे, जो फ्लोर के ऊपर जो ये आप देख रहे हो, ये जो है ये ओरिजिनल फ्लोरिंग थी 18th सेंचुरी की, और ये टूट गई थी तो इसके बाद उन्होंने 19th सेंचुरी में जो है नई सीट बनवाई। तो महाराजा जो थे उसमें नीचे बैठा करते थे, इनके चादर में जो है दिए लगा दिए जाते थे जिससे कि पूरा रूम जो है वो रिफ्लेक्ट होता था और लाइटेड होता था। ब्यूटीफुल। इस फूल को जो है वो कहते हैं फूल महल, फ्लावर पैलेस, एंड दिस वाज द एंटरटेनमेंट रूम फॉर द महाराजा। महाराजा ही वाज सिटिंग इन द सेंटर, हिज फ्रेंड्स यूज्ड टू सिट बिसाइड हिम, एंड द म्यूजिशियंस दे यूज्ड टू सिट ऑन द साइड, एंड द लेडीज, द डांसिंग लेडीज वर द ओनली लेडीज व्हिच वर अलाउड टू कम इन दिस रूम। नो अदर रॉयल लेडीज और द वाइफ्स ऑफ द महाराजा वर अलाउड टू कम। And the ceiling is made of wood with a gold leaf over it. And the painting what you see up there near the ceiling, they are the paintings of the Maharaja and Hindu god goddesses. यहाँ से आप सिटी व्यू, उम्मेद भवन सब देख सकते हैं। तकत बिलास महाराज तकत सिंह बेडरूम हुआ करता था ये। अरे इधर और ये जो है ये सारे के सारे जो है बच्चों के पास रॉयल बेबी क्रेडल्स मेड ऑफ वुड विद गोल्ड लीफ ओवर इट। एक राउंड लगा लीजिए दीवाने खास होता था वो यहाँ हुआ करता था। महाराजा जो थे वो बीच में थ्रोन पे बैठा करते थे, उनके जो मंत्री थे वो सारे के सारे यहाँ नीचे बैठा करते थे, और रानिया जो है वो ऊपर जहाँ लाइट्स जल रही 1, 2, 3, 4, 5 जो स्क्रीन है उनके पीछे बैठा करती थी, और उनको सिर्फ सुनने की परमिशन थी और उनको बोलने की परमिशन बिल्कुल नहीं। और जो सीलिंग है ये वुड की बनी हुई है, गोल्ड प्लेटेड है, और जब यहाँ पर दिए लगाए दिए जाते थे आप देख सकते हैं काफी बढ़िया मंदिर है। देखिए म्यूजिक भी चल रहा है, हम बोर्ड से नीचे उतर रहे हैं। जाने का टाइम हम लिफ्ट से गए थे, उतरने का टाइम बस रोड में जस्ट नीचे आ रहे हैं रोड से।